हाय फ्रेंड्स, दिस इज अरुण कोचर। आप मुझे गोल्डी के नाम से जानते हैं, जी हाँ, निक नेम है अरुण कोचर। के नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं और गोल्डी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एज एन आरजे काम किया मैंने, एज एन एंकर काम किया, मोर देन 75 बिग स्टेज शोज, बड़े बड़े सेलेब्स के साथ में काम किया। पीछे सरोज जी की डेथ हुई है, सरोज खान जी की, मास्टर जी की, उनके साथ भी शो किया मैंने, अपना पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के साथ, अपना खेर साहब के साथ, बड़े बड़े शोज जो हैं वो किए हैं। और एज एन आरजे आप मुझे सुनते रहे हैं 6 साल। एंकर एक्टर के तौर पे सीरियल्स हैं, फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं और परिचय के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। एज ए राइटर बॉम्बे टॉकीज, एक 11 करोड़ रुपए का सीरियल, एक बड़ा सीरियल लिखा। कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 यही काम है, यही काम कर रहे हैं, यही काम करना चाहते थे। कहने का मतलब ये है, एक एक्टर को अपने पोटेंशियल को जब डिसाइड कर लिया, स्किल्स को हॉन कर लिया, तो उस फील्ड में टिकना है और काम करना है। और कई बार एक्टर लोग सोचते हैं, यार मेरे को इस प्लेटफॉर्म में एक्टिंग की सक्सेस नहीं मिली तो क्या करूं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे जैसा कहा, आरजे एंकर एक्टर राइटर मेकर, इसी फील्ड से जुड़ा हुआ टीवी सीरियल्स का बिजनेस, इवेंट्स, ये सब चीजें की हैं। आपको पीछे नहीं हटना है, आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं, एक्टिंग के वेरियस ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम जिक्र करते हैं एक्टिंग के माध्यम स्टेज की। स्टेज एक ऐसा माध्यम है जो सबसे पुराना माध्यम है, जिसको हम मंच बोलते हैं। मंच से जो अभिनय होता है वो एक अलग तरीके का अभिनय होता है। आप सभी ने देखा होगा, मंच की जो दर्शक लोग हैं, ऑडियंस हैं, वो सीमित हैं। परंतु मंच क्योंकि एक प्राचीन काल से कला चली आ रही है, तो लोग उसको देखते हैं। रेडियो एक्टिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट माध्यम है, जिसमें आपको अपनी आवाज से ही सब कुछ कह देना है, अपनी आवाज़ से ही आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे देनी है, वहाँ के माहौल की, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जंगल में हैं, पार्लियामेंट में हैं, ऑफिस में हैं, सब कुछ आपको आवाज़ से ही एक्सप्रेस कर देना है। तो जो रेडियो का जो माध्यम है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट माध्यम है। ज़्यादातर आकाशवाणी से इस बारे में नाटक होते हैं, या जो हमारे भारत सरकार के मंत्रालय हैं वो रेडियो के नाटक बनाते हैं या बनवाते हैं और उन्हें प्रसारित करते हैं, ताकि जन कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए, लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, बिजली बचाओ अभियान, पानी बचाओ, साक्षरता अभियान, आधार कार्ड बनवाओ, मतलब लोगों में किसी भी विषय को लेकर उस पर जागरूकता पैदा करने के लिए। तो रेडियो दूसरा माध्यम हुआ। हमारे पास में जो तीसरा माध्यम है, जो आजकल बहुत चल रहा है, वो है ऑनलाइन वेब सीरीज। ऑनलाइन या जो वेब सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। और एक बात बता दूं, ये जो दो माध्यम मैंने आपको बताए, पहला स्टेज और दूसरा रेडियो, इन दोनों से ये बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन जो माध्यम है, इसके अंदर हम देखते हैं वेब सीरीज, जनरली वेब सीरीज, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आजकल नेटफ्लिक्स बहुत पॉपुलर हो रहा है, एयरटेल टीवी के ऊपर बहुत कुछ आता है। ऑनलाइन इसी तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ आता है। सबसे बड़ी बात, इस माध्यम में आकर जो अभिनय का लेवल है और अभिनेता की जो सोच है, वो एक अलग होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर कंटेम्परेरी विषयों के ऊपर डील करते हैं, समकालीन, आज के, ऐतिहासिक में भी डील करते हैं, बट जो दर्शकों को ज़्यादा पसंद आते हैं वो इनके बोल्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, या ये मैं कहूँ कि ये उस सोच की तरफ हैं जो वेस्ट की सोच से जाकर मिलती है।
पर मैं आपको बता दूं, आज हम वेस्ट से कहीं पीछे नहीं हैं। वेस्ट का मैं क्या नाम लूं, भारतीयता में भी यही सोच बड़े लेवल तक समा चुकी है। तो जो वेब सीरीज है, वेब सीरीज अपना एक छोटे बजट के अंदर, वेब सीरीज के अंदर जनरली बहुत बड़ा बजट नहीं होता, जनरली नहीं होता। हाँ, अगर कोई उसमें बहुत बड़े स्केल पर बनाना चाहे तो बात अलग है। वेब सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एपिसोड की जो ड्यूरेशन होती है, अवधि, वो भी कम होती है। कहने का मतलब ये है, वो आज का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल करंट प्लेटफॉर्म है। 10 मिनट 12 मिनट का एपिसोड, इससे ज़्यादा एपिसोड कोई होता नहीं है। कई बार तो 8 9 मिनट का 7 मिनट का भी एपिसोड होता है, या जो उनकी फिल्म्स भी होती हैं वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। सब्जेक्ट्स बोल्ड होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं, ज़्यादातर यूथ उसको देखना पसंद करते हैं, यूथ से जुड़े हुए हैं उसके अंदर। अगले एपिसोड में आपसे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर फिर बात करेंगे। टिल देन हैव ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।